Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to discuss the mandibular first molar, mandibular second molar and mandibular third molar. तो सबसे पहले mandibular first molar की बात करते हैं. ये बहुत important दांत हैं और exam point of view से इसके difference आता है maxillary first molar and mandibular first molar का. तो उसमें काफ़ी difference हैं. उसके लिए separate video बना सकता हूँ अगर आप लोगों को चाहिए. आज mandibular first molar सबसे पहले discuss करते हैं. It is the number 6 tooth from the midline and it is also called as a 6 year tooth. इसका eruption time 6 years होते हैं और ये इसकी universal number, FDI number और palm annotation है. tooth numbering system आपको आनी चाहिए. exams के अंदर इसके अंदर से related terms use लाजमी होंगे. It is one of the largest and strongest tooth in the lower arch, even in the oral cavity. पूरी oral cavity में इससे बड़ा दांत नहीं होता. और इसके 5 functional कस्प्स होते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं और 2 वेल डिवेलप्ड रूट्स होती हैं. दिस इज कॉल्ड द मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर. और ये दांत जो होते हैं इट इज़ वाइडर मीजियो डिस्टली देन बको लिंगुली. मीजियो डिस्टली ये ज़्यादा वाइडर होता है देन एज कम्पेयर टू द बको लिंगुली. और इट डिस्प्लेज अ ट्रेपिजोइडल आउटलाइन फ्रॉम द बकल एंड लिंगुअल. जो कि बकल, ये इसकी बकल और लिंगुअल आउटलाइन है, इट इज़ मोर ट्रेपिजोइडल. और जो प्रॉक्सिमल आउटलाइन है जो कि मीजियल और डिस्टल है वो कैसी होती हैं, वो रोम्बॉइडल होती हैं. एंड फ्रॉम द ऑक्लूजल एस्पेक्ट इट इज़ पेंटागोनल शेप. ये इसकी बाउंड्रीज होगी और इसके 6 to 2 years इरप्शन टाइम है. एंड 2 साल बाद हर दांत की उसकी रूट्स कम्प्लीशन ऑलमोस्ट 2 years के बाद होती है. तो 9 to 10 years इसकी रूट कम्प्लीशन हो जाती है. बकल एस्पेक्ट की बात करें तो बकल एस्पेक्ट इज़ द लार्जेस्ट लेटरल सर्फेस. पूरी ओरल कैविटी में ये वो वह दांत है जिसका बकल एस्पेक्ट इतना बड़ा होता है क्योंकि इसके बकल एस्पेक्ट पे 3 कस्प होते हैं. हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. डिस्टल आउटलाइन, डिस्टल मार्जिन इज जनरली मोर कन्वेक्स देन द मीजल आउटलाइन. डिस्टल आउटलाइन मोर कन्वेक्स होती है जैसे आपको नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू द मीजल आउटलाइन. और बकल एस्पेक्ट में हो और हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे. इसका सिर्फ ओवरव्यू लेना हमने. दे टर्म्ड एज अ बकल और मीजियो बकल ग्रूव. मीजियो बकल और बकल ग्रूव होता है एंड डिस्टो बकल ग्रूव. 2 ग्रूव्स होते हैं इस पूरे बकल एस्पेक्ट में जो कि डिवाइड करते हैं बकल सर्फेस को 3 अनइक्वल कस्प में. सबसे पहले बकल ग्रूव है ये वाला और ये डिस्टो बकल ग्रूव है. अब इन इनकी वजह से 3 मेजर कस्प बन जाते हैं, मीजियो बकल, डिस्टो बकल एंड डिस्टल कस्प. मीजियो बकल यहाँ पे सबसे बड़ा है, फिर डिस्टो बकल है और फिर डिस्टल कस्प छोटा सा है, माइनर सा बिल्कुल. और आगे बकल ग्रूव्स को सेपरेटली उन्होंने बताया हुआ है. दिस ग्रूव इज लोकेटेड इन अ कनकेविटी बिटवीन कन्वेक्स बकल कस्प रिच द मीजियो बकल एंड डिस्टो बकल कस्प. कस्प का बताया हुआ है. और ये ग्रूव जो होता है बकल पिट बना देता है एट लास्ट पे एंड टर्मिनेट कर जाते हैं. उसके बाद बकल पिट हो गया. लिंगुअल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. लिंगुअल एस्पेक्ट हमने पहले बताया कि बकल और लिंगुअल दोनों ट्रेपिजोइडल हैं और लिंगुअल सरफेस इनफैक्ट स्मॉलर. बकल सरफेस बड़ी होती है और लिंगुअल सरफेस स्मॉल होती है. और लिंगुअल पे 2 कस्प बनते हैं सिर्फ. और लिंगुअल पे जो ग्रूव बनता है उसे क्या कहते हैं, लिंगुअल ग्रूव. और लिंगुअल पिट पे वो टर्मिनेट करता है और उसकी वजह से 2 कस्प बनते हैं. मीजियो लिंगुअल इज़ द लार्जर वन एंड डिस्टो लिंगुअल इज़ द स्मॉलर. और उसके बाद मीजियल एस्पेक्ट की बात करते हैं. मीजियल एस्पेक्ट इज सेट टू बी रोम्बॉइडल. हमने पहले बता दिया कि दोनों प्रॉक्सिमल साइड्स आर रोम्बॉइडल एंड द क्राउन डिस्प्लेज द लिंगुअल इंक्लिनेशन. जैसे आपको पता है कि लेबियल हम कैसे फाइंड करते हैं कि बकल और लिंगुअल सर्फेस कौन सी. बकल सर्फेस इज ऑलमोस्ट अ स्मूथ सर्फेस होती है और लिंगुअली इंक्लिनेशन होता है. दांत बिल्कुल 90 के एंगल पे नहीं होता, थोड़ा सा लिंगुअली इंक्लाइंड कर रहा होता है क्योंकि उसने मैस्टिकेटरी अपने फंक्शन करने होते हैं, इसलिए ये बताया गया इसके अंदर. और मीजल साइड पे एक और मोस्ट प्रोमिनेंट जो चीज़ है मीजल मार्जिनल ग्रूव है. जो 2 कस्प है मीजियो बकल एंड मीजियो लिंगुअल कस्प. और इनकी मीजल मार्ज जो मीजियल कस्प रिजेज हैं ऑफ मीजियो बकल ये वाला एंड मीजियो लिंगुअल ये वाला, इनकी जो ये मार्जिनल रिजेज हैं ये मिलके एक ग्रूव बनाती हैं. यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन होता है ऐसे. ये हमारे पास मॉडल है जो इस पे प्रोमिनेंट नहीं है. यहाँ पे ग्रूव होता है उसे कहते हैं मीजियल मार्जिनल ग्रूव. ये ग्रूव सेपरेट करता है मीजियल साइड को 2 कस्प में जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. उसके बाद डिस्टल एस्पेक्ट की बात करते हैं. दूसरी ये वाली साइड डिस्टल एस्पेक्ट में भी ऐसे होता है. ये दोनों मार्जिनल रिजेज ऐसे आती हैं दोनों कस्प पे और एक ग्रूव बनाती हैं. यहाँ पे ग्रूव ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं आता. मीजल मार्जिनल ग्रूव ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है डिस्टल मार्जिनल ग्रूव से.
तो वो बताया हुआ डिस्टल मार्जिनल रिजेज मिलती हैं और फिर डिस्टल मार्जिनल ग्रूव बनाते हैं जो कि शॉर्टर होते हैं, और ये प्रोमिनेंट जितना डिस्टल कस्प आपका प्रोमिनेंट होगा उतना ही ये ग्रूव भी प्रोमिनेंट होगा, ये बताया गया यहाँ पे। और फिर डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया बताया गया है, हमेशा याद रखें कि एज वी मूव फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर तो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होता है वाइडर होता जाता है और मोर सर्वाइकली मूव करता रहता है, तो मीजल कॉन्टैक्ट एरिया इसका छोटा होगा और डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया वाइडर होगा, क्योंकि मीजल कॉन्टैक्ट एरिया इसका सेकेंड प्रीमोलर से होगा और डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया ये डिस्टली अटैच्ड विद द मैंडिबुलर सेकेंड मोलर। और ये भी आप पिक्चर्स भी आपको नज़र आ रही हैं, ये बकल, लिंगुअल, मीजल, डिस्टल, और ये थ्री कस्प आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल क्लियरली बकल सरफेस पे, और ये लिंगुअल पे दो हैं, मीजियो लिंगुअल एंड डिस्टो लिंगुअल। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द क्लूजरल टेबल की बात करें, कस्प नॉर्मली फाइव मेजर कस्प हैं। अब कस्प की बात करेंगे हम सिर्फ मीजियो बकल, ये मैंने पहले ही बता दिया कि बल्कीस्ट कस्प एंड द लॉन्गेस्ट कस्प होता है, और ये ईच कस्प मैं पहले भी बता चुका हूँ, ईच कस्प हैज फोर कस्प रिजेज, हर कस्प की फोर कस्प रिजेज होती हैं, फोर कस्प रिजेज। तो ये इधर उन्होंने वही कस्प रिजेज हर कस्प के आगे उन्होंने फोर कस्प मीजियल डिस्टल लेबियल बकल लिंगुअल उसके साथ रिजेज बताई हुई हैं। डिस्टो बकल कस्प इज मोर राउंडेड टिप, उसकी राउंडेड टिप होती है, और मीजियो लिंगुअल कस्प इज द शार्पेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। जो मीजियो लिंगुअल ये वाला है ये देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शार्प भी है और लॉन्ग भी है एज कम्पेयर टू डिस्टो लिंगुअल। इसी तरह डिस्टो लिंगुअल कस्प की बताया, फिर डिस्टल कस्प, डिस्टल कस्प जो सबसे छोटा सा होता है एक साइड पे, डिस्टल कस्प इज स्मॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एंड रिलेटिवली शार्प, लेकिन शार्प होता है थोड़ा सा, मेस्टिकेशन में काफ़ी हेल्प आउट करता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर जो इसका है कि देर इज नो ट्रांसवर्स रिज इन दिस टूथ, क्योंकि मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर ओब्लीक रिज भी होती है और ट्रांसवर्स रिज भी होती है। ट्रांसवर्स रिज बनती कैसे है, वो जो कस्प आमने सामने होते हैं बिल्कुल एक कस्प की रिज से दूसरे कस्प की रिज से मिलती है, मीट करती है और फिर ट्रांसवर्स रिज बनती है, लेकिन इसके एक बकल साइड पे हमने पढ़े कि तीन कस्प हैं और लिंगुअल पे दो, तो इसकी कस्प रिज ट्रांसवर्स रिज बन ही नहीं सकती, इसलिए इसके अंदर ट्रांसवर्स रिज नहीं होती। और दे आर थ्री रिकग्नाइजेबल फोसाज, इसके अंदर सेंट्रल फोसा है जो कि सबसे बड़ा और डीप होता है, सेंट्रल फोसा ये, और फिर मीजल ट्रायंगुलर फोसा एंड ये मीजल ट्रायंगुलर फोसा और ये डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा, ये तीन इसके मेजर फोसाज होते हैं। और सेंट्रल फोसा टर्मिनेट करता है सेंट्रल पिट में, विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द सेंट्रल फोसा, डीपेस्ट पिट, ये सबसे डीपेस्ट पिट होती है। और इसको कौन कौन से ग्रूव मिलकर बनाते हैं, मीजियो बकल ग्रूव, डिस्टो बकल ग्रूव एंड लिंगुअल ग्रूव, ये तीनों ग्रूव मिलकर सेंट्रल पिट बनाती हैं। और मीजल पिट कैसे बनती है, मीजल पिट मीजल ट्रायंगुलर फोसा का डीपेस्ट पार्ट, सेंट्रल ग्रूव, मीजियो बकल ट्रायंगुलर ग्रूव एंड मीजियो लिंगुअल ट्रायंगुलर ग्रूव एंड मीजल मार्जिनल ग्रूव, ये चारों ग्रूव्स मिलके मीजल पिट बनाती हैं। और इसी तरह डिस्टल पिट जो कि डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा का डीपेस्ट पार्ट है, सेंट्रल ग्रूव, डिस्टो लिंगुअल ट्रायंगुलर ग्रूव, डिस्टल मार्जिनल ग्रूव, ये सारे ग्रूव इससे रिलेटेड मिलके बनाते हैं। दो रूट्स होती हैं इसकी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर की, दो रूट्स होती हैं मीजल रूट एंड द डिस्टल रूट, मीजल रूट इज द वाइडेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वाइल डिस्टल रूट इज द स्मॉलर एंड वीकर।